हेलो एवरीवन। तो आज हरियाणा में जो एग्ज़ाम हुआ एएलएम का, असिस्टेंट लाइनमैन, साथ ही साथ हरियाणा पुलिस कमांडो का, दोनों एग्ज़ाम अपनी अपनी जगह, दोनों बच्चों को इंतज़ार था कब ये एग्ज़ाम होगा। तो आज अच्छे से एग्ज़ाम हो चुका है। अब कट ऑफ पर अगर हम बात करें तो डाटा हमारे पास बहुत सारे बच्चों का नहीं है, एएलएम का थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि इसमें जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा थी। तो एएलएम की कट ऑफ वैसे भी आपके कमांडो से ज़्यादा जाएगी क्योंकि यहाँ पर हरियाणा जीके का बहुत बड़ा रोल है। 25% वेटेज एएलएम में हरियाणा जीके ने कवर किया है और क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, जिसने पढ़ा है वो आराम से निकाल सकता है क्वेश्चन। तो एएलएम में जनरल कैटेगरी के 60 प्लस वाले बच्चे बहुत सारे हैं, 15 से 20 बच्चों के मैसेज आए थे लेकिन किसी ने भी कैटेगरी मेंशन नहीं की। सभी बच्चों ने, एक दो बच्चा था जिसके 60 से कम नंबर थे, बाकी 60 प्लस क्वेश्चन ठीक बता रहे हैं। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 60 प्लस ही इसकी कट ऑफ जाएगी। कमांडो के लिए स्टूडेंट कम अपीयर हुए हैं क्योंकि शायद 8500 बच्चों ने ही क्लियर किया था। तो यहाँ पे कट ऑफ का एनालिसिस इतना नहीं कर सकते, लेकिन उसमें भी आपका जो एग्ज़ाम लेवल था वो ठीक ठाक था, ज़्यादा इजी और ज़्यादा मॉडरेट नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल सा एग्ज़ाम था और बैलेंस कर रखा था दोनों एग्ज़ाम को एग्ज़ामिनर ने, बहुत अच्छे से बैलेंस किया हुआ एग्ज़ाम था। काश ये हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल में होता तो भी इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाती, बस बच्चे सेटिस्फाई हो जाते। तो इनकी कट ऑफ ये 60 प्लस रहेगी, ये सिर्फ अंदाज़ा है। और आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने नंबर कमेंट करो, साथ के साथ कैटेगरी, ऐसे अगर जनरल वाला कैटेगरी मेंशन नहीं करता और हम उसे दूसरी कैटेगरी का समझ लेते हैं तो भी ये गलत बात है। तो बस छोटी सी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, धन्यवाद।